एवरीवन, हाय, मैं हूँ प्रीना। वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल भाई ब्यूटी ऑफ लाइफ विद प्रीना में नई न्यू फ्रेश ऑल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? इससे पहले जितने वीडियोस आपने मेरे चैनल पे देखे भाई, वो सब पहले पुराने साल के शूट किए हुए थे। मैं एक बहुत लंबी छुट्टी पे गई हुई थी और कसौली घूम के आई हूँ, मैं शिमला घूम के आई हूँ, चंडीगढ़ घूम के आई हूँ, एक बढ़िया वाला हॉलीडे बना के आई हूँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और बहुत अच्छा टाइम मैंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में स्पेंड किया। न्यू ईयर भी डेफिनेटली मेरा काफी अच्छा मैंने सेलिब्रेट किया एंड आई रियली होप आप लोगों का न्यू ईयर भी आप लोगों ने काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। सबको न्यू ईयर पे काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले होंगे अपनी लवली फैमिली की तरफ से या लव वंस की तरफ से। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका न्यू ईयर कैसा गया, क्या गिफ्ट मिला। तो न्यू ईयर का, नए साल का पहला हॉल वीडियो है जो अमेजोन का मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और आज के हॉल में हम लोग 6-7 आउटफिट्स देखने वाले हैं। आधे से ज्यादा आउटफिट्स आपकी पसंद के हैं, इसलिए इस वीडियो को डेफिनेटली पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको आज के हॉल में से कुछ भी पसंद आता है तो बाय करने के लिए सभी आउटफिट्स के इंडिविजुअल लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है, अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो ये 2023 की मेरी वन ऑफ द बेस्ट रिव्यू टी शर्ट है और बेस्ट क्वालिटी टी शर्ट है जो वॉश के बाद में भी A1 रही है। अगर आपको ये चाहिए हो तो डेफिनेटली इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हमारा 2024 का आज का नया हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हॉल वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक देके कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हॉल का सबसे पहला आउटफिट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहां मैं साइड में आप लोगों के लिए एक ट्रायल लगा रही हूँ। ये वाला जो सूट है इसमें मैंने ऑलरेडी एक शेड मेरे चैनल पे दिखाया था और आप लोगों को ब्लू और व्हाइट कलर का जो सूट मैंने दिखाया था वो काफी अच्छा लगा था। इसी में एक नया शेड लॉन्च हुआ है सेम सूट में, गो सीरीज की ब्रांड का ये सूट है। तो ये वाला एक और शेड है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के हॉल में। दोनों ही शेड्स में नो डाउट सूट बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। ब्लू और व्हाइट कलर का शेड का जो सूट है उसका ट्रायल आप डेफिनेटली यहाँ मेरे साइट में देख ही सकते हैं। ये भी कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का सूट है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का सूट था और नो डाउट काफी सारे लोगों ने चैनल पे इसको देखा और जब बाय किया तो उनको इसकी क्वालिटी जो है काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो काफी सारे लोगों ने फिर मुझे ये भी कहा कि भाई नया शेड लॉन्च हुआ है तो आप वो भी दिखाइए। इसके रिव्यूज मैंने अमेजोन पे जाके देखे तो काफी अच्छे रिव्यूज थे और नो डाउट ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है, जितना सुंदर ब्लू और व्हाइट लग रहा था उतना ही सुंदर ये ऑरेंज येलो और व्हाइट वाला भी लग रहा है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये सूट गो सीरी की ब्रांड का है, एल साइज में मैंने लिया है। नेकलाइन आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल है, कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का ओवरऑल आपको सूट मिलेगा। उसके ऊपर यहाँ पे ना एक पैच लगाया गया है और इस पैच के ऊपर नेकलाइन में पूरा सीक्वेंस का जरी वर्क का और एम्ब्रॉयडर्ड वर्क का काम आपको देखने के लिए मिलेगा। वी नेकलाइन है, रेगुलर नेकलाइन से काफी डिफरेंट आपको नेकलाइन मिलती है। स्ट्रेट सूट है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन का जो फ्रंट लुक है वो देखने के लिए मिलता है। बैक लुक भी आपको सूट का सेम मिलेगा, सेम प्रिंट मिल जाएगा और काफी डिफरेंट आपको प्रिंट मिल जाता है। रेगुलर आपको फ्लोरल प्रिंट वगैरह से काफी डिफरेंट प्रिंट इस सूट का देखने के लिए मिलता है। कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का है, 3/4 से ज्यादा थोड़ी सी आपको लंबी स्लीव्स मिल जाती हैं इसमें। गोटा पट्टे की डिटेलिंग भी है, सेमी पार्टी वेयर सेट है, डेफिनेटली गुड लुकिंग सेट है, हाईली रिकमेंडेड है इस हॉल में से। इसका दुपट्टा भी बहुत ज्यादा सुंदर है, प्राइस तो डेफिनेटली सूट का बहुत ज्यादा कम है। प्राइस मैंने हार्डली इसका 799 या 699 रुपीज पे किया, बहुत कम पैसे मैंने सूट के दिए हैं। उसके हिसाब से सूट आपको वाव मिलता है। ये आप देखिए सिल्क ब्लेंडेड मटेरियल का इस तरीके से आपको इसका दुपट्टा मिलेगा और दुपट्टे में भी बकायदा आपको लेस का काम मिल जाता है। दुपट्टे में आप देखिए कितना सुंदर प्रिंट आपको मिलता है, मतलब A1 क्वालिटी का सूट है जो आपको इतने रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। एकदम लाइट बेबी पिंक शेड का आपको इसका बॉटम मिलेगा, बहुत ही ज्यादा लाइट शेड है और आपको इलास्टिक का काम मिलेगा। इसके बॉटम में आपको पॉकेट भी मिलेगी और इस तरीके से पैंट स्टाइल बॉटम मिलेगा लेस की डिटेलिंग के साथ। A1 प्रोडक्ट है ट्रस्ट में। ये आप चाहें दोनों शेड्स का ट्रायल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है, दोनों में से आपको जो पसंद आता है आप आपके लिए बाय कीजिए। दोनों का क्वालिटी एंड लुक A1 आपको मिलता है। नेक्स्ट सूट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना भाई, ये सूट आपने
मेरे दो वीडियोस में देखा है और हर एक ने मुझसे इसका लिंक मांगा है कि जो आपने कुर्ती पहनी है वो आपने कहाँ से ली है। तो भाई ये मैंने अमेजोन से ही सूट लिया था और ऐसा नहीं है कि ये सूट मैं पहले मेरे चैनल पे नहीं दिखा चुकी हूँ, इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे कर दिया है। मे भी शायद नए सब्सक्राइबर्स जुड़े होंगे या नए व्यूवर्स जुड़े होंगे जिनको इसका रिव्यू देखना रह गया होगा, तो आप लोगों के लिए स्पेशली इस सूट को मैं वापस लेके आई हूँ चैनल पे। ये मैंने लिया था सूट वुमन स्टा ब्रांड से, A1 क्वालिटी का सूट है। ये सूट जो है ना आपको प्योर कॉटन मटेरियल का मिलने वाला है, बहुत ही फाइन क्वालिटी है, ट्रस्ट मी। 1200 से 1300 रुपए का ये सूट आपको मिलेगा, लेकिन हर पैसा वसूल सूट है। एक तो जेट ब्लैक शेड में है, मैंने इस सूट को भी मेरे लिए L साइज में लिया है और जो लोगों को पसंद आ रहा था वो सच में इसका सबसे ज्यादा खूबसूरत नेकलाइन है। इसकी नेकलाइन की वजह से ही प्रीवियस वीडियोस में इतने ज्यादा कमेंट आए हैं कि इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है, आपने ये कहाँ से लिया है, कुर्ती कहाँ से ली है। और 1200-1300 रुपए में ये भी आपको एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव सेमी पार्टी वेयर सेट मिल जाता है। नेकलाइन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, पूरी नेकलाइन में फुल लॉन एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की डिटेलिंग आपको मिलेगी। इनफैक्ट थ्रेड वर्क भी आपको क्लोज लुक दिखाती हूँ, बहुत ही फिनिशिंग से किया गया और इस तरीके से। और ऐसा नहीं कि इसके फैब्रिक में शाइन नहीं है, डल वाला कॉटन मटेरियल नहीं है, फाइन है और साथों साथ इसके फैब्रिक में शाइन भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा आपको मिलता है। रेस्ट आपको ये स्ट्रेट सूट मिलेगा, पूरा प्लेन है फ्रंट से भी एंड बैक से भी। जो मेजर हाईलाइट है कुर्ते का वो इसका नेकलाइन ही है। साथ में आपको मिलता है सेम फैब्रिक का बॉटम में बेल्ट इलास्टिक का काम आपको मिलेगा और इसका बॉटम आपको प्लेन सिंपल जेट ब्लैक शेड का मिलेगा, ठीक है। तो बॉटम तो डेफिनेटली ऐसा है कि और किसी कुर्ती के साथ में भी पेयर हो जाएगा। साथ में आपको मिलता है इसका नेट का दुपट्टा जिसमें आपको इस तरीके से पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क का डिटेलिंग मिल जाता है। ट्रस्ट मी क्वालिटी ओवरऑल सेट की इतनी अच्छी है कि 1200 रुपए भी इसके पूरा पैसा वसूल पैसा है जो आप दे रहे हैं। अदरवाइज लोकल मार्केट में आपको इतनी फाइन क्वालिटी का सूट 1700-1800 से नीचे नहीं मिलेगा। तो आप ये भी चाहें तो ले सकते हैं, सेम हेल्थ है तो एल साइज लीजिएगा, एल परफेक्ट आएगा आपको। नेक्स्ट मैं आपको एक सूट ऐसा दिखाने वाली हूं जिसका एक्चुअली ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या ये वेलवेट का सूट है, और फोटोग्राफ में यार ये सूट इतना सुंदर दिख रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड इनफैक्ट जब मैंने अमेजोन पे डाला ना वेलवेट कुर्ता सेट सर्च में तो ये सूट निकल के आया, तो मुझे भी मॉडल की फोटोग्राफ देख के ऐसा ही लगा था कि ये मेहंदी ग्रीन शेड का सूट है और वेलवेट का है। भैया ये ना प्योर वेलवेट का सूट नहीं है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है इसी वजह से इस सूट को मैंने लिया है। अब आपको मैं क्लैरिटी देती हूँ इस सूट के ऊपर, आप लो तो पूरा समझ के लेना इस सूट को। ये जो सूट है ना ये प्योर वेलवेट फैब्रिक का नहीं है, ये वेलवेट सिल्क मिक्स फैब्रिक का है। इसका जो फील है ना, एक तो वेलवेट थोड़ा ना मोटा वाला वेलवेट होता है, ये वो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सर्दियों के हिसाब से मोटा वेलवेट वाला सूट ले लेती हूँ जो सुंदर हो और शादी ब्याह में मैं पहन के जाऊं तो मुझे सर्दी भी ना लगे, तो भाई इसका फैब्रिक उतना मोटा नहीं है। लेकिन आप अभी कैमरे में भी देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वेलवेट का है, देख रहे हो आप, क्योंकि ये वेलवेट सिल्क ब्लेंडेड मटेरियल है और ये बहुत ही हल्का कपड़ा है। इसका लुक पूरा वेलवेटी फील का है, ऊपर से देखने में भाई ये पूरा वेलवेट ही लगता है लेकिन ये थोड़ा सा सिल्क मिक्स मटेरियल है तो ये उतना मोटा कपड़ा नहीं है, याद रखिएगा। सूट बहुत सुंदर है, ये आप देखो लुक पूरा वेलवेट के फील का ही है। यहाँ पे आप देखिए काफी सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क आपको मिल जाता है। सूट की नेकलाइन भी इतनी सुंदर है, इस सूट को मैंने मेरे लिए हाँ एल साइज में ही बाय किया है। सूट की नेकलाइन भी आप देखिए कितनी सुंदर है, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क का डिटेलिंग है, एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड इनफैक्ट फ्रंट में आप देखिए काफी लंबी आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की डिटेलिंग देखने के लिए मिलती है स्टार्ट टू एंड तक, ठीक है। तो ये आप देखिए नीचे की तरफ पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क का डिटेलिंग आपको मिलता है, यानी कि पूरा यहां से लेके नीचे तक कुर्ते में आपको पूरा भरा हुआ एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिलेगा। और कलर कॉम्बिनेशन तो एम्ब्रॉयडरी के यार बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आप देखो कितना सुंदर काम है। और फिनिशिंग भी आपको मैं क्लोजर लुक से दिखा रही हूँ, थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मैंने दिखाया ना, दूर से कोई भी देख के आप जब इस सूट को पहनेंगे तो कह नहीं सकता कि ये वेलवेट का सूट नहीं है, बट इसमें वेलवेटी फील है, बट वेलवेट सिल्क ब्लेंडेड मटेरियल है, बैक साइड से ये प्लेन है। तो अब आपके लिए ये कंफ्यूजन जो है मैंने कर दिया है दूर।
प्योर वेलवेट का सूट समझ के मत खरीदेगा। वेलवेट सिल्क मटेरियल है तो भाई हल्का कपड़ा है, पूरा मोटा वाला वेलवेट नहीं है। और बेल्ट इलास्टिक का काम बॉटम में आपको देखने के लिए मिलेगा। और मेरे हिसाब से 1100 रुपए में ये सेट भी काफी अच्छी डील है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, बॉटम में भी आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की डिटेलिंग मिलेगी। नेट का बहुत सुंदर सा दुपट्टा आपको इसमें मिलेगा, जिसमें आपको मिल जाता है लेस का काम। तो अगर आपके घर में शादी है और आप देख रहे हैं हल्दी मेहंदी के फंक्शन के लिए सूट, गारंटी कहती हूँ कि ये सूट अच्छा है, इस पे आप लगा सकते हैं अपने 1100-1200 रुपए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डार्क नेवी ब्लू कलर का सूट है। सूट क्या है, जैकेट वाला कुर्ती है और बॉटम का सेट है। ये ट्रिपल लाइन में मैंने बाय किया है, एल साइज में मेरे लिए। तो अगर आप कुछ इंडो वेस्टर्न लुक का देख रहे हैं पार्टीज के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। और ये है नेक्सा ब्रांड का। रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो इस ब्रांड के काफी सारे सूट्स हैं जो मैंने रिव्यू किए हैं, और मुझे इस ब्रांड की क्वालिटी काफी अच्छी लगती है। इसमें कैसा है ना, जैकेट से जो कुर्ता है वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो कट स्लीव्स है, एक्स्ट्रा स्लीव्स इसमें नहीं दी गई है। कुर्ते में आपको स्ट्रेट कुर्ता मिलेगा, और ये जो फैब्रिक में आप शाइन देख रहे हैं ना, ये सेल्फ है फैब्रिक में सिल्वर सिल्वर, तो ये आपको वॉश के बाद में जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो और यहाँ पे एक क्लोजर लुक आपको और दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं कैमरे में कि टेक्सचर्ड फैब्रिक है, इस तरीके से दिखा आपको, ये फुल ऑन पूरा टेक्सचर्ड फैब्रिक है। तो ये पूरा आपको शाइनी फैब्रिक का टेक्सचर्ड एम्ब्रॉयडर्ड वाला कुर्ता मिल जाता है, स्ट्रेट एल साइज में मैंने लिया है। टॉल हाइटेड गर्ल्स के लिए भी डेफिनेटली कुर्ते का जो लेंथ है वो काफी अच्छा है, शॉर्ट नहीं पड़ेगा। तो प्लेन ये कुर्ता आपको अंदर में इसके अंदर मिलेगा, और साथ में ऊपर आपको मिलता है ये वाला ऑर्गेन्जा सिल्क मटेरियल का जैकेट। जैकेट वाओ है, ट्रिपल लाइन में डेफिनेटली वर्थ इट पीस है। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये आप देखो नेकलाइन पे कितना सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की डिटेलिंग है। ये पूरा जैकेट है ऊपर का, देखिए कितना सुंदर एम्ब्रॉयडरी है। पूरे एम्ब्रॉयडर्ड वर्क को कलरफुल थ्रेड से बनाया गया है, साथ में सीक्वेंस का काम भी है। तो इस तरीके से आपको जैकेट पे मिल जाता है नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडर्ड वर्क, बहुत सुंदर पीस है। 1000 रुपए में आज के टाइम पे कहां मिलता है, ये है जैकेट। सेंटर में आपको डोरी के साथ में टैसल्स मिलेंगे, एंड ये है जैकेट का लोअर पोर्शन। ये आप देखो, इस पे भी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, बहुत क्लासी पीस आपको मैं दिखा रही हूँ। 1000 रुपए में तो भैया नहीं मिलेगा ये कहीं पे भी। बहुत सुंदर जैकेट है जो डिजाइन की गई है, और फैब्रिक भी काफी रिच है, ऐसा नहीं है कि चीप फैब्रिक है। ये आप देखिए पूरा कितना शानदार एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, सुंदर पीस है, एकदम सुंदर पीस। और जिस फैब्रिक का कुर्ता आपको अंदर मिलता है विस्कोस रेयॉन मटेरियल का, सेम फैब्रिक का आपको बॉटम भी मिलेगा। मे भी आपको बेल्ट इलास्टिक का काम भी मिल जाता है, और नीचे की तरफ आप देखिए ऑर्गेन्जा सिल्क मटेरियल का कटवर्क का डिटेलिंग है। पैंट का क्वालिटी अच्छा है, फैब्रिक ऑसम है, ट्रिपल लाइन में ग्रेट डील है दोस्तों, इसे जरूर से ले लेना, ये एक बहुत शानदार पीस है। और इनफैक्ट बेस्ट चीज ये है कि सारे साइजेस में अवेलेबल है, तो ट्राई करके देखिए, एक सिंगल शेड में ही है और शेड्स में अवेलेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एक और कुर्ता सेट की तरफ। और ये कुर्ता सेट जो है, ये है सिर्फ दुपट्टे का और कुर्ते का सेट। इसके नीचे बॉटम आप आपकी इच्छा से पेयर कर सकते हैं। इस कुर्ती में आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, तो व्हाइट से पेयर कर लो, पिंक बॉटम इसके नीचे ले लो, येलो ले लो, जो भी आपका मन करता है कंट्रास्ट में आप बॉटम ले लो, ठीक है। जॉर्जेट मटेरियल का ये कुर्ती आपको मिलेगा, एल साइज में मैंने इसे लिया है। ये बहुत सुंदर आई है, यहाँ पे आप देखिए पूरी नेक लाइन में एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की डिटेलिंग है, और शेड भी काफी यूनिक है, रामा ग्रीन शेड में मैंने इसे पिक किया है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से पूरी नेक लाइन में एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की डिटेलिंग है। क्लोजर लुक आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए आप कितना फिनिशिंग से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क आपको इसकी नेकलाइन पे मिल जाता है। अब ये वाला जो कुर्ता है, इसमें भी यही चीज है कि शोल्डर से लोअर बस्ट तक आपको अस्तर मिलेगा, नीचे की तरफ इसमें आपको अस्तर नहीं मिलेगा। स्लीव्स की बात करती हूं तो इस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क आपको स्लीव्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। और अब आता है इसका लोअर पोर्शन, यहाँ पे इस तरीके से आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिल जाता है लोअर पोर्शन में। ये जो कुर्ती है, ये 4 से 5 शेड्स में अवेलेबल है, कोई और शेड भी आपके लिए आप पिक करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। नायरा कट कुर्ती आपको मिलती है, साइड से आपको इसमें काफी अच्छा खासा लॉन्ग स्लिट मिल जाता है, जॉर्जेट मटेरियल का क्वालिटी अच्छा है। बैक साइड से आपको कोई भी थ्रेड वर्क की डिटेलिंग जो है नहीं मिलती है। स्लीव्स में आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ मिलेगा एम्ब्रॉयडरी, और कुर्ते के फ्रंट पे मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल
ये भी अच्छा चॉइस रहेगा। अगर आप कोई सस्ता सा कुछ अच्छा देख रहे हैं पार्टीज के हिसाब से तो आप इसे ले सकते हैं। ये अंडर 500 रुपीस मैंने पिक किया है अमेजोन से। इसका दुपट्टा भी काफी ज्यादा स्टाइलिश है। इस तरीके से आपको बैंड वाला दुपट्टा मिलेगा, इस पे एम्ब्रॉयडरी है और यहां से आपको मिल जाता है पतला सा स्टॉल टाइप दुपट्टा। इसको मैंने शायद 450 रुपीस का कुछ बाय किया है। प्राइस आपके लिए स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। वर्थ इट है, ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और सूट मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्सा ब्रांड से। सूट बहुत सुंदर आया है। इसका ना सिल्क ब्लेंडेड मटेरियल फैब्रिक है, बहुत सुंदर सूट है। ट्रस्ट मी गाइस, ये सूट अभी स्मॉल मीडियम लार्ज तीन साइज में ही अवेलेबल है। नेकलाइन आप देखिए कितनी रिच है, आपको क्लोजर लुक दिखाती हूँ। इसके इस तरीके से ना लॉन्ग वी नेकलाइन है, लेकिन इसका नेकलाइन जो है ज्यादा डीप नहीं है। नॉट टू वरी, आपको मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे आप देखिए इसकी नेकलाइन पे बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है। पूरा ये जो पैच है ना, यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है सीक्वेंस के साथ में नेकलाइन पे, ये आप देखो। ठीक है, अब नेकलाइन आपको वी डीप नेकलाइन मिलती है, लेकिन ये डीप ना रहे इसलिए यहाँ पे सेंटर में आपको फैब्रिक भी लगा के दिया है सूट में। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये रहा एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो ये डीप भी नहीं दिखेगा। ठीक है, और आप देखो प्रिंट देखो कितना सुंदर है, रोजेस वाला इस पे प्रिंट है। कलर कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम सटल है। शाइन जो आप फैब्रिक में देख रहे हैं वो स्लाइटली सा गोल्ड फॉइल प्रिंट का काम भी है जो सूट पे आपको करके दिया गया है, जिसकी वजह से रोजेस जो है ना बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहे हैं। बहुत प्यारा प्रिंट है, मुझे ओवरऑल ये सूट बहुत अच्छा लगा। इसको मैंने लिया है 999 में और मुझे ये काफी वर्थ इट लगा प्राइस इसका। बैक साइड से आपको दिखा रही हूँ, सेम फ्लोरल प्रिंट आपको मिलेगा। बहुत सुंदर लगा मुझे ये सूट, और इसके रिव्यूज भी डेफिनेटली आप अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हैं, रिव्यूज काफी अच्छे हैं इसके। इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। यहाँ पे आप देखिए टैसल्स की डिटेलिंग भी है एंड बहुत ही सोबर सेट है मेरे हिसाब से। ये जिनको बहुत ही सोबर सूट पसंद है वो डेफिनेटली किसी भी पार्टी के लिए इसे बाय कर सकते हैं। ये आप देखिए दुपट्टे का लेंथ भी काफी अच्छा है, चौड़ाई भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है। ओवरऑल गुड क्वालिटी इन 1000 रुपीज, मैं तो ये कहूंगी बहुत अच्छा है। और साथ में आपको मिलता है इसका ये बॉटम, ये आपको बॉटम सिल्क ब्लेंडेड मटेरियल का मिलेगा। इसमें बेल्ट इलास्टिक का काम है, इसमें आपको पॉकेट भी मिलेगी सूट में और पैंट स्टाइल बॉटम है। डेफिनेटली बहुत प्यारा सूट है, आप चाहें तो इसे ले लो, मैं रिकमेंड कर रही हूं। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अच्छी चीज है। लास्ट जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये एकदम सिंपल प्लेन सूट है, जिनको प्लेन सूट पसंद है वो इसे ले सकते हैं। इस सूट में फिलहाल अभी हार्डली तीन साइजेस अवेलेबल है, मीडियम है, 2XL है और XL बचा हुआ है। और सूट बहुत सुंदर है, ये गो सिटी की ब्रांड का ही है और इतना प्यारा लगता है ना यार ये पहनने के बाद में, कि कभी कभार कहते हैं ना किसी चीज में ज्यादा काम ना भी हो तो भी वो पहनी हुई सुंदर लगती है, ये वो सूट है। ये आपको सिल्क ब्लेंडेड मटेरियल का ही सूट मिलेगा और प्लेन पिंक सूट है ये। ये आप देखिए इस तरीके से एकदम प्लेन सूट है, सिंपल सोबर। कई लोगों को इस तरीके के सूट बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आपको कली पैटर्न मिल जाएगा इस तरीके से, पूरा प्लेन सूट है। ये आप देखिए इस तरीके से फैब्रिक बहुत अच्छा है, मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा, एकदम डिसेंट है, प्राइस कम है, सिर्फ आपको ये 600-700 रुपए में मिल जाएगा। इसमें भी कैसा है, यहाँ शोल्डर से लेके लोअर बस्ट तक अंदर की तरफ आपको अस्तर लगा हुआ मिलता है, तो सूट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, पहनने में आपको फैब्रिक जो है कंफर्टेबल रहेगा। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा आपको प्रिंटेड दुपट्टा मिलने वाला है। तो अगर आप कुछ बिल्कुल ही सिंपल सोबर सूट ढूंढ रहे हैं, प्लेन सूट ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हैं। दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई और क्वालिटी सब आपको अच्छा मिलता है। साथ में सेम फैब्रिक का आपको इस तरीके से बॉटम मिलेगा जिसमें बेल्ट इलास्टिक का काम है, इसमें आपको पॉकेट भी मिलेगी और प्लेन बॉटम। तो ये सिंपल सा एलिगेंट सा सूट भी अगर आप चाहें तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लास्ट जो मैं आपको चीज दिखा रही हूँ ये कम्प्लीटली ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया मैं कसौली घूमने के लिए गई थी, शिमला घूमने के लिए गई थी, चंडीगढ़ में भी काफी अच्छी खासी सर्दी है, तो आपको एक थर्मल की जरूरत होगी जो आप कुर्तों के नीचे पहन सके या फिर टी शर्ट वगैरह के नीचे पहन सके। तो मैंने जॉकी का ये वाला थर्मल मंगाया था, एल साइज में मैंने इसे मंगाया है। आपको एक तो दिखाती हूँ, इसका काफी अच्छा खासा डीप नेकलाइन आपको देखने के लिए मिलता है, कॉटन मिक्स मटेरियल का थर्मल है
और यार इसने काफी अच्छी खासी सर्दी मेरी रोकी। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज्यादा कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है तो उसके लिए ये मोटा वाला थर्मल नहीं है, ये थोड़ा पतला वाला है। लेकिन एक एवरेज अमाउंट की सर्दी होती है ना, जब आपको ये लगता है कि ना कुर्ते के नीचे बस कोई थर्मल पहन लेना चाहिए ताकि ज्यादा सर्दी नहीं है तो चल जाएगा, उस टाइम के लिए आप ये वाला थर्मल ले सकते हैं। ये मैंने 450 या 550 का कुछ लिया था, प्राइस आपके लिए स्क्रीन पे मेंशन करूंगी। लेकिन ये बहुत काम आया यार मेरे, फैब्रिक इसका सुपर सॉफ्ट है, पूरा पूरा दिन मैं इसे पहन के घूमती थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता था। बट यहाँ आप प्राइस तो डेफिनेटली कम पे करेंगे लेकिन चीज आपको जॉकी की तरफ से बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये वाला थर्मल बहुत अच्छा है दोस्तों, साइड में यहाँ पे इसमें कट भी है तो कुर्ते वगैरह के नीचे भी चल जाएगा। मैं तो इसको पहनती थी जीन्स के अंदर, इसे टक इन कर लेती थी और ऊपर से जैकेट पहन लेती थी, स्वेटशर्ट पहन लेती थी। तो ऐसा भी नहीं कि इतना मोटा मोटा यहाँ पे हो जाता था कि अलग से दिखे जीन्स के अंदर, वो भी नोटिस नहीं होता है। तो आप इसको ले लो, उल्टा करके भी आपको दिखा रही हूँ। फैब्रिक एक्सट्रीम सॉफ्ट है, चीज अच्छी है, कोई लाइट वेट थोड़ा सा नॉर्मल फैब्रिक का थर्मल ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ये हाईली रिकमेंडेड है, ये आपके काम आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, यही है मेरा आज का इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो एंड आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर जाइएगा और चलिए कल मिलते हैं नए हॉल वीडियो में, नए कलेक्शन के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।